तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, जहां मैं मनीष वर्मा आज आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि अगला वाला टेंस जो हमारे है, इसका चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों से मिलकर बना होता है। तो इस टेंस को देखने से पहले हम थोड़ा पिछले वाला रिवाइज कर लेते हैं, पूरा का पूरा जितना टेंस हमने आज तक की वीडियोस में पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले टेंस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो हमारे प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में हमने चार भाग पढ़े थे। पहला भाग जो हमारे था वो था प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो होती है ता था ती थी ते थे, ये बात क्लियर। और बाद में हमने इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रूल जब सीखा था वो था एस या एस वाला। एस या एस वाला रूल में हमने क्या देखा था कि जो भी वर्ब होती है उसके लास्ट वाला अक्षर अगर हमको एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स ई जेड, अगर ये वाले शब्द आते हैं तो हम उनके साथ क्या लगाते हैं ई एस, और बाकी जो वर्ब आती है उनके साथ में लगाते हैं एस। इसके बाद में हमने इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी थी, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब जो थी वो थी इसकी सिंगुलर के लिए थी डज और प्लूरल के लिए थी डू। फिर बाद में मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब इसमें थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज क्लियर, नॉर्मल बेस में मैं आपको ये समझा रहा हूं ताकि रिवीजन भी हो जाए, जो पीछे की चीजें वो हमको याद रहेगी तभी हम आगे की चीजों को सही ढंग से पढ़ पाएंगे, क्योंकि पीछे की चीजें क्लियर जब तक नहीं होगी तो आगे की चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अगले वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या चीज देखी थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन थी, सबसे पहले इज, फिर आर, फिर एम। इज जो थी वो थी सिंगुलर के साथ में, आर जो थी वो थी प्लूरल के साथ में, और एम जो थी वो हमेशा किसके साथ में आती थी, आई के साथ में। अब इसमें जो हमने देखा था मेन वर्ब जो आती है वो मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, मतलब रहा है। लास्ट वाले में क्या मिलेगा उनको, रहा है, रही है, रहे है। फिर हमने बात की थी इसके अगले वाले टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब देखी थी, हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी इसके अंदर, सबसे पहले आई थी हैज, फिर बाद में आई थी हैव। हैज जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आई थी सिंगुलर के साथ में, और जो हैव आई थी वो थी प्लूरल के साथ में। ये चीज क्लियर, साथ के साथ आप रिवीजन भी करते रहना और डिस्क्रिप्शन में देखना, हम आपको सारी लिंक दे देंगे एक साथ आपके पास। फिर बाद में इसके बाद आती थी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या थी, मेन वर्ब हमेशा आती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्टली कोई काम पूरा हो चुका है, मतलब परफेक्ट मतलब चुका है, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, चुका है, परफेक्ट हो चुका है, कोई इसमें बाकी नहीं रहा है। फिर बाद में हमारे अगला वाला आया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन चीज क्या थी, टाइम। टाइम को हमने दो तरीके से पढ़ा था, सिंस और दूसरा वाला था फॉर। सिंस और फॉर में हमने देखा था सिंस जो आता है वो हमेशा किस टाइम के लिए आता है, फिक्स टाइम, और फॉर जो आता है अनफिक्स, या फिर जो टाइम फिक्स नहीं हो, मतलब नॉट फिक्स। ये चीज क्लियर। इसमें हमने देखा था जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ इस प्रकार थी कि जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी उसके आगे हमको क्या जोड़ना था, केवल तीन जोड़ना था, मतलब हैज, हैव, ये थी परफेक्ट की। फिर इसके आगे हमको क्या जोड़ना था, बी। ये चीज क्लियर। फिर बाद में हमने इसकी मेन वर्ब की बात की थी, जो मेन वर्ब थी इसकी वो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन। ये चीज क्लियर, ये हो चुके हमारे बात प्रेजेंट टेंस की। जल्दी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था पास्ट टेंस,
पास्ट टेंस में हमने क्या देखा था, पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी जो है कार्य वो हो चुका था, मतलब पहले, भूतकाल की बात हो रही है इसके अंदर, भूतकाल की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या था कि ता था, ती थी, ते थे, यानी वह कार्य करता था, ये कार्य करता करती थी, ये कार्य करते थे, इसकी है हिंदी पहचान हो गई। फिर बाद में हम इसमें देखते हैं जो इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या देखी थी हमने, हेल्पिंग वर्ब इसकी थी डिड, और जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब कौन सी थी, मेन वर्ब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी मेन वर्ब थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी जो भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव थे उनके अंदर आई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार डिड में भी था, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें डिड यूज नहीं होता है, बाकी सारे सेंटेंस में क्या यूज होता है, डिड। ये चीज क्लियर। फिर हमने बात की थी इसके अगले वाली कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था कि वह कार्य कर रहा था, रही थी, रहे थे, ये चीज क्लियर। इसमें हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या देखी थी, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब आई थी वो थी वॉज और वर, बहुत करती बहुत आई थी सिंगुलर के साथ में, वर आई थी प्लूरल के साथ में। फिर बाद में हमने देखा था इसकी जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब क्या थी इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीज क्लियर। फिर बाद में इसके आगे हमने ये देखा था पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, इसकी हिंदी पहचान थी चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो मतलब कार्य कर चुका था, यानी पूरा कार्य कंप्लीट कर चुका है पास्ट में, इसकी हिंदी पहचान ही हो गई। फिर बाद में हमने इसकी बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुत ही शानदार थी, जो थी हेड, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड। फिर हमने बात की थी इसकी मेन वर्ब की, मेन वर्ब क्या आई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इतना जो हमने अभी जो समझा है ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम जो चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो पास्ट टेंस का चौथा पार्ट, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज है, सबसे पहले हम इसकी मेन चीज बात करते हैं जो आती है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या थी, हिंदी पहचान इसकी होगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इत्यादि जो भी आती है। फिर बाद में परफेक्ट और कंटिन्यूअस से, कब से, कब मतलब टाइमिंग वाला बात आ गया, तो टाइमिंग में हम इसका देखते हैं। टाइम की बात आती है तो हमें दिमाग में दो चीजें आती है, कौन कौन सी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आती है हमारी सिंस और दूसरी आती है फॉर। अभी हमने जस्ट रिवीजन में देखा था कि सिंस जो आता है वो आता है फिक्स टाइम के लिए, और फॉर आता है वो आता है नॉट फिक्स। जैसे फिक्स टाइम में हम देख लेते हैं, जैसे हमारा आता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई भी तारीख आ जाती है, कोई भी साल आ जाता है 2010, 2012, या सुबह से शाम से, नॉट फिक्स टाइप में, मतलब लास्ट टू डेज। अब लास्ट टू डेज कौन से डेट वो हमको पता नहीं चलता, मतलब वो टाइम क्या है, नॉट फिक्स। तो इनके साथ में हम क्या यूज में लेते हैं, फॉर। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब बहुत शानदार है, सिंपल सी है, जो हमने परफेक्ट में लगाई, पास्ट परफेक्ट में, वो वाली है। इसके साथ में जब भी टाइम आ जाता है उसके साथ में क्या लग जाता है, बी, चाहे हमारी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ में क्या आएगी, हेड वी। ये चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब क्या थी इसकी, क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज क्लियर। अब हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हमने हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब टाइमिंग वाला टेंस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो भी होते हैं, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनमें टाइम आता है, टाइम की बात आती है, हमें सिंस फॉर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें चार वाक्य पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहला वाक्य जो है हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य, सिंपल सा वाक्य। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि हमको पता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड बी ने सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो हमारी आती है हेड बीन। तो हमें पता है एक स्ट्रक्चर से हम दोनों की हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाद में आएगा इसमें सिंस या फिर फॉर प्लस क्या आएगा टाइम। ये चीज क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं इसमें इसके एग्जांपल की। एग्जांपल में हम देखते हैं राम सुबह से पढ़ाई कर रहा था। ये चीज क्लियर? सुबह से मतलब क्या है? फिक्स टाइम। सुबह से सुबह आज सुबह होती है, अगली सुबह की हमें बात नहीं करी, सुबह हमेशा फिक्स टाइम होता है। तो हमें सबसे पहले क्या पता चल गया इसमें क्या आएगा? सिंस। ये चीज क्लियर? तो हमको स्ट्रक्चर पता है, वाक्य पता है, ये पता है सिंस या फॉर आएगा, बाकी अब चीजें हमने पढ़ ली। तो हम बनाते हैं इसको वाक्य को। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मतलब राम, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, हमको पता है दो है नहीं एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब राम हैड बीन या तो हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ना, पढ़ना को हम कहते हैं रीड, तो ये हो गई भाई रीड, प्लस क्या लगाना है आईएनजी, तो ये लगा दिया भाई साहब आईएनजी, ये चीज हो गई। या तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हेल्प इन रीडिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या पढ़ रहा है, क्या इसमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, राम सुबह से क्या पढ़ रहा है, केवल पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास। तो हम आगे वाले स्टेप पे चलते हैं, सिंस या फॉर हमको पता है सिंस आएगा, फिर बाद में जो हमारा टाइम कब से पढ़ रहा है सुबह से, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम। तो हम यहां पर लास्ट में टाइम लगा देते हैं सिंस मॉर्निंग या फुल स्टॉप। ये चीज क्लियर? सिंपल सा सेंटेंस था, आराम से हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। अब हम इसके एक और एग्जांपल को समझेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, वे 2010 से क्रिकेट खेल रहे थे। ये चीज आ गई, वह 2010 से क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट हमारे पास है वे, हेल्पिंग हमको पता है, वर्ब क्या है खेलना, खेलना को हम प्ले कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, वे क्या कर रहे थे क्रिकेट खेल रहे थे, हमें पता चल गया हमारे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। सिंस या फॉर की बात करते हैं, 2010 फिक्स टाइम है, 2010 अनफिक्स टाइम नहीं है, यानी फिक्स टाइम है, ये नहीं है नॉट फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है। तो हमको क्या पता चलता है इसमें क्या आएगा? सिंस, बाकी हमको पता है टाइम, टाइम हमको पता है 2010, ये चीज हो गई। अब हम इस वाक्य को बनाते हैं, वे प्लूरल है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, हेल्पिंग वर्ब हमको पता है एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन, फिर बाद में आ जाती है वर्ब, वर्ब हमको पता है, फिर आईएनजी लगा देंगे, क्या खेल रहे थे क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये हमको ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बाद में सिंस या फॉर को पता है हमें सिंस आएगा, फिर बाद में टाइम क्या है 2010। सिंपल सा कंसेप्ट था, क्लियर है आपके? अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमको भी अगर जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा हम आपको उतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताएंगे। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा अगला सेंटेंस आता है मतलब निगेटिव, इसको निगेटिव नहीं बोलना है, प्रोनाउंसिएशन हमको इंटरव्यू भी देना है आगे, ये भी नहीं है कि हमको इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा हमारे परीक्षा में, हमको पूछ लेंगे कि भाई ये क्या चीज है, हम बोल देंगे नेगेटिव, तो बोल देगा भाई आप जाओ आपने गलत बोला है, हमको बोलना है इसको निगेटिव,
प्रोनाउंसिएशन भी अपना अच्छा बनना चाहिए साथ के साथ। निगेटिव हुआ क्या आता है, तो हमको सबसे पहले मेन चीज क्या मिलती है इसके अंदर, नॉट। ये हमारे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। मोदी जी कौन सी पोजीशन पे है, वैसे तो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर में कौन सी पोजीशन पे रखना है, इनको रखना है हमारा तीसरी पोजीशन पे। तीसरी पोजीशन पे रखना है, मोदी जी आ गए तो मोदी जी को भी रखेंगे अभी स्ट्रक्चर में। हमको पता है इसमें भी जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसके अंदर, हैड बीन। एक हेल्पिंग वर्ब है तो स्ट्रक्चर कितना बनाएंगे, एक। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में जो आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे मोदी जी आए तो उनकी जगह स्पेशली होगी, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को भी थोड़ा डिवाइडेशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट पहले, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले जाएगी हेड, फिर बाद में आ गए हमारे यहाँ पे मोदी जी मतलब नॉट, फिर बाद में आ गया क्या बीन, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आएगा सिंस या फॉर, फिर बाद में जो आएगा टाइम। ये चीज क्लियर। निगेटिव सेंटेंस में मोदी जी कौन है, नॉट। ये नॉट इसको भूलना ही नहीं है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे आ गए हमारे। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल की। चलो हम इसमें मोदी जी को भी ले लेते हैं, नरेंद्र 2019 से हिंदी पढ़ा रहा था। ये सिंपल सा हो गया, हमको पता ही नहीं इसमें मोदी जी कहाँ गए, यहाँ पे हमने मोदी जी को डाल दिया, नहीं पढ़ा रहा था। मोदी जी पढ़ाएंगे थोड़ी, मोदी जी देश को चलाएंगे, तो हम बात करते हैं नहीं पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट हमको पता है ये है, हेल्पिंग हमारे पास है, नोट हमारे पास ये है मोदी जी, बीन हेल्पिंग के साथ में वर्ब पढ़ाना टीच हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ाते नहीं है वैसे, लेकिन स्ट्रक्चर में आया तो हमको पढ़वाना भी पड़ेगा। फिर बाद में सिंस या फॉर की बात आई, 2019 हर बार थोड़ी आती है, फिक्स टाइम है तो सिंस आ जाएगा। फिर बाद में टाइम क्या है, 2019 टाइम दिया हुआ है। अब हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो है नरेंद्र, हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं हम हेड, फिर बाद में क्या आएगा मोदी जी, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी के बाद में क्या लगाना है बीन, फिर बाद में पढ़ाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीच, फिर बाद में आईएनजी क्या पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे, तो ये लो जी भाई हिंदी पढ़वा दी, कब से पढ़ा रहे थे, 2019 से, फिक्स टाइम है तो क्या जाएगा सिंस 2019। ये चीज क्लियर। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, भाई मोदी जी आए तो एग्जांपल की और बढ़िया बनाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की, तो तुम पिछले 2 दिन से कपड़े धो, कपड़े नहीं धो रहे थे। तो सबसे पहले हमें निगेटिव सेंटेंस से क्या ढूंढना है, मोदी जी का रहे, ये रहे वैसा हमारे मोदी जी हमको मिल गए। सब्जेक्ट ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग हमको पता है। फिर बाद में हम क्या देखते हैं, सिंस या फॉर, पिछले 2 दिन, कौन से पिछले 2 दिन, आज वाले, पिछले और पिछले, मतलब नॉट फिक्स टाइम, टाइम फिक्स नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है तो भाई इसके पास टाइम नहीं, तो हम इसको सिंस नहीं लगाएंगे, इसका किसा क्या लगा देंगे फॉर। तो फॉर आ गया, सब हमारे पास है, पिछले 2 दिन से क्या क्या धो रहा था, कपड़े, वर्ब धोना, ये रही हमको पता है, सब चीज क्लियर है, तो हमें बनाने में क्या टेंशन है। हम इसको बनाते हैं, तुम को हम बोलते हैं इंग्लिश में यू हैड, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मोदी जी को बुलाने की बारी आ गई, तो ये आ गए हमारे मोदी जी, मोदी जी आ गए। फिर बाद में हम क्या लगाएंगे बीन, धोने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, फिर बाद में आईएनजी क्या आएगा कपड़े, डे आ गया भाई, क्या आएगा, किसी ने अगर ये गलती कर दी तो भाई चला गया, कुछ मतलब नहीं, उसके नंबर गए, क्या लगाना है एस, वॉशिंग क्लोथ्स,
हमको पता है 4 आएगा तो ये रहा हमारा 4, 4 पिछले दो दिन कौन से, लास्ट 2 days, ये चीज क्लियर। इस वाक्य को अगर हम गौर से देखें, ये तो हमने सेंटेंस बना दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से, मेन चीज क्या है, पिछले दो दिन, एक दिन सिंगुलर में हम काउंट कर लेते हैं, दो दिन आगे तो हमको क्या करना है, इसमें भी अस लगाना है, 2 days, ये चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमने पक्ष की तो बात कर ली, अब हम कौन सी बात करेंगे, जो हमारे विपक्ष में है। विपक्ष में हम सब जानते हैं हमारे भारत के मशहूर नेता जिनको हम क्या बोलते हैं, पप्पू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमारे भारत में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कौन है, हमको पता है, समझ गए आप, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन मार्क कहां पे आता है, सबसे लास्ट में आता है किसी भी वाक्य में। तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ तो ये है, तो ये भी नेता तो है, इनको भी हमें अलग तरीके से डिवाइडेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा हेड, फिर बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आ जाएगा बीन, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस जो भी अपना टाइम है। भाई हमने इनको कहां पे बिठाना है, हमको पता है वाक्य के लास्ट में बिठाना है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, यह चीज क्लियर है। तो हम बना लेते हैं वाक्य कि क्या राहुल, समझ जाओ आप, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्या राहुल पिछले साल से पढ़ाई कर रहा था, ये क्वेश्चन मार्क, समझ तो गए आप, इतने तो आप होशियार हो। तो हम इस वाक्य को बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता है कि हेल्पिंग हमारे पास है, तो क्या लगाएंगे, हेड, फिर सब्जेक्ट राहुल, हेड राहुल, फिर बाद में आ गया हमारा बीन, हेड राहुल बीन पढ़ाई कर रहा है, तो पिछले साल, कौन सा पिछला साल भाई, पिछला ये वाला, उससे पिछला, या फिर कौन सा पिछला, मतलब टाइम फिक्स नहीं, तो क्या जाएगा फोर, तो हमको क्या बताया चलाएगा फोर, हेड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है हमको पता नहीं है, तो हमको पता है ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, आप समझ गए इतना, तो हमें पता है ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस या फोर, हमको पता है इसमें क्या आएगा फोर, फोर आ गया तो हम क्या देखेंगे, फोर के बाद में क्या जाएगा, जो टाइम है पिछले साल, लास्ट ईयर, भाई पिछले साल, ये तो नहीं है कि पिछले दो साल, कितने साल, सिंगुलर है तो ईयर के बाद में आ गया हमारे मेन चीज, क्या समझ गए, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस की, अगला सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। अब भाई पक्ष और विपक्ष साथ में बैठेंगे, पक्ष को हमको पता है कौन सा है, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमारे कौन से हैं, मोदी जी बैठे हैं भाई, मोदी जी, पक्ष और विपक्ष साथ में बैठेगा तो पोजीशन में क्या फर्क है, पहले मोदी जी बैठेंगे फिर बाद में विपक्ष वाले बैठेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और जो थर्ड पोजीशन है हमारी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, मोदी जी आगे, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा। अब क्या राहुल पिछले साल से पढ़ाई कर रहा है, भाई पक्ष विपक्ष आते हैं तो कोई वाद विवाद होता है, मतलब नकारात्मकता थोड़ी बहुत उत्पन्न होती है, पिछले साल से पढ़ाई कर रहा है तो पिछले साल से पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक दो, ये क्या आ गया हमारा, नॉट, ये चीज क्लियर। देखो हमारे पक्ष भी है विपक्ष भी, दोनों एक साथ, देश एकता वाला है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये हमारा कंसेप्ट है जो हम इजी वे में हमने क्लियर कर लिया है। इसी के साथ हमारा कौन सा टेंस खत्म हो गया, पास्ट टेंस खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी समस्या हो इनसे रिलेटेड, और हमारी ट्रिक्स से या हमारे कुछ भी कंसेप्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ
और भी ज्यादा शेयर करना ना भूले और हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे सबसे शानदार और सबसे इजी टेंस फ्यूचर टेंस। आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं और जितना ज्यादा हो सके उत्तर सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।